गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीषा फ्रॉम सूरज स्कूल एंड टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर 9 भोली. भोली इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल. शी इज़ टेमर्ड एंड नॉट लुकिंग गुड. हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग द स्टोरी ऑफ अ फैमिली इन विच भोली इज द यंगेस्ट डॉटर. भोली वॉज अ मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड. भोली जो थी वो मेंटली रिटार्टेड मतलब नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड बाई मेंटल. वो मानसिक रूप से डेवलप नहीं थी. हर रियल नेम वॉज सुलेखा. उसका जो रियल नेम था वो सुलेखा था. शी वॉज द डॉटर ऑफ रामलाल. वो रामलाल की डॉटर थी. हु वॉज द विलेज नंबरदार, जो कि गाँव का नंबरदार था. भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2. जब वो 2 साल की थी तो स्मॉल पॉक्स की उसको प्रॉब्लम हो जाती है. हर होल बॉडी वॉज डिसफिगर्ड. उसकी जो बॉडी थी वो भी डिसफिगर्ड थी, यानी कि प्रॉपरली शेप्ड नहीं थी. इट हैड ब्लैक पॉक मार्क्स उसके चेहरे पर, जो चेचक के निशान थे. शी ऑल्सो स्टैमर्ड बैडली. और वो बहुत ज़्यादा हकलाती भी थी. भोली हैड 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स. शी वॉज द यंगेस्ट. हर ब्रदर वर सेंट टू स्कूल एंड कॉलेज. उसके जो ब्रदर हैं उनको स्कूल और कॉलेज भेजा जाता है, यानी कि स्टडी करवाई जाती है. लेकिन उस टाइम में गर्ल्स को एजुकेशन की राइट नहीं दी हुई थी. हर एल्डेस्ट सिस्टर वॉज ऑलरेडी मैरिड. अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज. तभी उन्हीं दिनों में एक प्राइमरी स्कूल जो है उसको खोला जाता है, स्कूल में गर्ल्स के लिए सिर्फ. नन ऑफ हर अदर सिस्टर्स वर सेंट टू स्कूल. उसकी जो बड़ी सिस्टर थी उनमें से किसी को भी स्कूल नहीं भेजा गया था. ओनली भोली वॉज सेंट टू स्कूल. अब यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि जब बाकी के सिस्टर जो है उनको स्कूल नहीं भेजा गया तो भोली को ही क्यों भेजा गया. तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, एज शी हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड. क्योंकि उसकी मदर की ओपिनियन थी कि अगर गर्ल्स को स्कूल भेजा जाएगा तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा. और क्योंकि भोली जो थी स्टैमर थी, ब्लैक उसके जो चेहरे पे निशान थे, ब्लैक पॉक्स मार्क्स थे, और वो सुंदर भी नहीं थी, इसलिए उसकी शादी के जो है चांसेस बहुत कम थे. इसलिए उसकी मदर जो है एग्री हो जाती है उसको स्कूल भेजने के लिए. द टीचर इन द स्कूल हेल्प्ड हर अलॉट. लेकिन स्कूल में जो टीचर होती है वो भोली की बहुत हेल्प करती है. भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर विद अ मिडल एज पर्सन. जब वो यंग हो जाती है तो उसके पेरेंट जो एक मिडल एज का जो पर्सन है जिसका नाम बिशंबर है, उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं. वैन द मैन सा भोलीज फेस एट द टाइम ऑफ वेडिंग. जब शादी के दिन बिशंबर जो है भोली का फेस देखता है, ही लेड डाउन अ कंडीशन. तो वो भोली के फादर के सामने कंडीशन रखता है. ही सैड, उसको कहता है दैट ही वुड मैरी ओनली इफ़ ही वॉज गिवन 5,000 रुपीज़. कि वो भोली से तभी शादी करेगा जब उसे 5,000 रुपये एज अ डोरी दिए जाएंगे. भोली फादर हैड टू गिव हिम द मनी. और भोली का फादर जो है मजबूरी में उसे पैसे देने के लिए एग्री हो जाता है. बट नाउ भोली रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी मैन. लेकिन भोली इस तरह के लालची इंसान से शादी करने के लिए मना कर देती है. भोली फादर टोल्ड हर दैट नोबडी एल्स वुड मैरी हर. तो भोली के फादर यहाँ उसे बताता है कि अब उसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं थी, स्टैमर्ड भी थी, और अब क्योंकि बिसंबर ने भी उसे शादी से मना कर दिया था. एट दिस भोली सेड दैट इस बात पर भोली कहती है शी वुड लुक आफ्टर हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज. की वो शादी नहीं करेगी, जब उसके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो वो उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी. एंड शी सेड दैट She would teach in the school where she had learned so much. और वो कहती है कि उसी स्कूल में वो काम करेगी जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा सीखा है. यहाँ पर उसकी जो टीचर है वो एक सपोर्टिव पिलर रही है उसके लाइफ में. वो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, और उसी की वजह से भोली एक दिन सक्सेसफुल हो जाती है. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.